नीमच जिला चिकित्सालय में शनिवार को मां की ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक मां ने अपने ही 2 वर्ष के पुत्र का गला दबा दिया। 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल बच्चे को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिला चिकित्सालय में आशा कार्यकर्ता मंजू माली ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मी गाँव में एक माँ ने अपने ही 2 वर्ष के पुत्र का गला दबा दिया। महिला अपने पुत्र का गला पकड़ते हुए उठाकर गाँव के एक मंदिर ले गयी। इस दौरान जिसने भी यह दृश्य देखा हर कोई दंग रह गया। जैसे ही गांव की आशा को इसकी जानकारी मिली तो वह तत्काल मंदिर पहुंची। 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस की सहायता से घायल बच्ची को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर आईसीयू में उसका उपचार जारी है। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मामले में एक तरफ बताया जा रहा है कि महिला के मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसके चलते यह घटनाक्रम हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने यह कदम उठाया। वहीं जीरन पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित बच्चे के पिता से बातचीत की। उसके साथ ही मां से भी पूरे मामले को लेकर पुलिस ने पूछताछ की है। फिलहाल जीरन पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी, नीमच।